अगर आपको सड़क किनारे कोई ऐसा जानवर मिलता है जिसका एक्सीडेंट हो गया, उसे जगह जगह से खून आ रहा है या उसकी एक टांग टूटी है और दूर दूर तक कोई अस्पताल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कुछ साल पहले तक अगर मैं किसी ऐसी सिचुएशन में होती तो मैं भी उस जानवर को भगवान के भरोसे छोड़कर अपने रास्ते निकल जाती। लेकिन आज भिंडी की कहानी हमें ऐसी सिचुएशंस का सामना करना सिखा देगी। एक दिन फार्म पर लुधियाना से एक बॉक्स की डिलीवरी आई जो नरेंद्र जी ने भेजी थी। उस बॉक्स के ऊपर कई सारे छेद थे और अंदर बैठी थी छोटी सी प्यारी सी सहमी हुई सी भिंडी। वेट, नरेंद्र जी के बारे में एक बहुत स्पेशल बात है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, पर पहले हम भिंडी की कहानी कंटिन्यू करते हैं। दरअसल भिंडी को किसी गाड़ी ने इतनी जोर से मारा था कि उसकी पिछली एक टांग फ्रैक्चर हो गई थी। नरेंद्र जी ने उसको रेस्क्यू करके उसका इलाज करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन भिंडी की हालत में फिर भी कोई सुधार नहीं दिख रहा था। एक डब्बे में घंटों ट्रैवल करने की वजह से भिंडी थोड़ी सी सुस्त थी, थोड़ी घबराई हुई सी थी, लेकिन जैसे ही उसे कुछ खाने को मिला वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गई। हमारी टीम ने उसकी टांग पर सपोर्ट बैंडेज बांधी और उसे पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स पे रखा। उसने हमारी टीम को कभी परेशान तो नहीं किया, लेकिन शुरुआत में वो कुछ खास फ्रेंडली भी नहीं थी, पर धीरे धीरे भिंडी की तबीयत के साथ साथ उसका मूड भी सुधरने लगा और वो बहुत प्लेफुल भी हो गई। आज भिंडी के पास सब कुछ है, अच्छी सेहत, प्लेफुल नेचर। अब उसे ज़रूरत है एक परिवार की, आपकी, जो उसे एक फॉरएवर होम दे, बहुत सारा प्यार दे और उतना ही खाना भी। अरे मैं आपको वो नरेंद्र जी वाली स्पेशल बात बताना तो भूल ही गई। तो नरेंद्र जी के पास भी औरों की तरह भिंडी की मदद ना कर पाने के कई बहाने थे, लेकिन उन्होंने बहाने बनाने के बजाय भिंडी की मदद करना चुना, उसकी जान बचाना चुना। जब आप सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं तो चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, आप नरेंद्र जी की तरह कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि अच्छा करने से अच्छा लगता है, यानी कि डूइंग गुड फील्स ग्रेट। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो एक अच्छा काम कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।